हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष स्वयं की अवधारणा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जो हमारी फर्स्ट इकाई चल रही है। फर्स्ट इकाई में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभिप्रेरणा, जो कि आपने बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था और बीएड सेकेंड ईयर में भी है, और आगे भी आपके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें ये चैप्टर अवश्य आता है। तो इसको आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखें। तो आज और इसमें भी हम कौन सा पढ़ रहे थे, अभिप्रेरणा के सोपान या अभिप्रेरणा के घटक। उसमें हमने पहला आवश्यकता पढ़ा, दूसरा चालक अंतर्नोद प्रणोद ड्राइव पढ़ा, तीसरा था उद्दीपक या प्रोत्साहन, चौथा अपने है प्रेरक या अभिप्रेरक या मोटिव बोल सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर विषय स्वयं की अवधारणा प्रकरण रहेगा पर अभिप्रेरणा के सोपान, इसमें चल रहा है प्रेरक या इसको बोल सकते हैं अपन अभिप्रेरक, अंग्रेजी में मोटिव बोलते हैं, मोटिव्स। ठीक है, प्रेरक या अभिप्रेरक बोल सकते हैं, मोटिव्स। अब प्रेरक और अभिप्रेरक क्या होता है कि प्रेरक किसी व्यक्ति के अंदर की वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब प्रेरक अपन भले किसी भी व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं होती है जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार प्रेरित करती है, उकसाती है, या कार्य करने के लिए मतलब एक इच्छा शक्ति जागृत करती है, तो उन सभी को क्या बोलते हैं, प्रेरक कहा जाता है। कुछ विद्वान प्रेरकों को जन्मजात या अर्जित शक्तियां मानते हैं, और ये जो शक्तियां होती है वो जन्मजात भी होती है और कुछ अर्जित यानी बाहर के वातावरण से भी हम प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत आवश्यकता, चालक, उद्दीपक सभी आ जाते हैं। अब अपन ने जो पहला पढ़ा वो था आवश्यकता, दूसरा था अपने चालक यानी ड्राइव, और जो तीसरा था उद्दीपक। शिविर का जो मिक्सर बनता है इसे यहाँ पे आ जाएगा प्रेरक। अब प्रेरक इसमें आवश्यकता भी आ जाती है, आवश्यकता, उद्दीपक और चालक। यानी अगर ऐसा जोड़ा जाए तो इस सब आ गया, मतलब कि इन सब का मिक्सअप ही प्रेरक। इसके अंतर्गत आवश्यकता, चालक और दीपक सभी आ जाते हैं। इन तीनों का योग ही प्रेरक कहलाता है। अब अभिप्रेरक तीन कार्य कर अभिप्रेरक का यानी प्रेरक के तीन कार्य हैं। पर वजह यह कार्य का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तीन कार्य, इसमें पहला है यह कार्य को प्रारंभ करते हैं, दूसरा है क्रियाओं को गतिशील देते हैं, गतिशील देते हैं यानी क्रियाओं को गतिशीलता देते हैं, तीसरा है जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करते हैं, यानी कार्य को कार्य में
चलता रहता है। यानी पहले ये कार्य प्रारंभ करते हैं, फिर क्रियाओं को यानी कार्य को ही गतिशीलता देते हैं, और उसके बाद में जब तक कार्य में संतुष्टि यानी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उस कार्य को जारी रखा जाता है या अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब जैसे भोजन, भोजन भूख और भोजन प्राप्ति, भोजन भूख और भोजन प्राप्ति। अब भोजन को क्या बोल सकते हैं, आवश्यकता। क्या है ये आवश्यकता? हर व्यक्ति की भोजन आवश्यकता होती है। भूख क्या है? चालक, यानी भूख ने इसको आगे बढ़ाया। और भोजन प्राप्ति क्या है? प्रोत्साहन या उद्दीपक। क्या बोल सकते हैं? प्रोत्साहन या उद्दीपक बोल सकते हैं। तो इन सबको ये क्या है? प्रेरक, प्रेरक, ठीक है ना। अब परिभाषा बताता हूं, कुछ मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी है कि जैसे गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरक प्राणी के भीतर की वे साधनें, गेट्स ने दी है कि प्रेरक व अन्य विद्वान साथ में देख के प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी किसी कार्य को तरफ, किसी कार्य की तरफ अपन को आगे बढ़ाती है। दूसरी परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार, प्रेरक एक ऐसी विशेष आंतरिक अवस्था या कारक है जो किसी व्यक्ति को किसी क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने की ओर त्याग करती है। तो प्रेरक की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रेरक किसी व्यक्ति की आंतरिक दशा की स्थिति होती है। ये स्थिति या अवस्था व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी प्रेरक किसी व्यक्ति की आंतरिक दशा है। प्रेरक क्या है? किसी व्यक्ति की आंतरिक दशा है जो किसी विधि के अनुसार या किसी स्थिति के अनुसार या अवस्था के अनुसार उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब उसके भी वर्गीकरण है, प्रेरक के भी वर्गीकरण अलग अलग। प्रेरक के वर्गीकरण, प्रेरक का वर्गीकरण, मोटिव का वर्गीकरण। प्रेरक वह स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला कारक ही अभिप्रेरणा के होता है। सबसे बढ़िया बात है कि अभिप्रेरणा को उत्पन्न, अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला कारक, अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? प्रेरक। मतलब कि अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला क्या कारक क्या कहलाता है? प्रेरक कहलाता है। यह अभिप्रेरक कहते हैं। अब मेस्टो ने बहुत से अलग अलग मनोविज्ञानों ने अलग अलग मतलब कि इसके मतलब के प्रकार बताए कि जैसे मेस्टो ने प्रकार बताया कि कौन कौन से, एक तो था जन्म जात और अर्जित। दूसरा थॉमसन ने तीन प्रकार बताया, सॉरी दो ही बताए, एक स्वाभाविक और दूसरा था कृत्रिम। और गैरेट ने तीन बताया, गैरेट ने तीन बताया, तीन कौन कौन से थे? एक तो था जैविक, जिसको देही बोलते हैं, देही जैविक। दूसरा था सामाजिक,
और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। तीन 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 प्रकार बताए। अब प्रेरक के प्रकार हम इस तरह से बता सकते हैं कि जन्मजात प्रेरक, सबसे पहले जन्मजात। कुछ प्रेरक ऐसे होते हैं जो जन्म से लेके हम पैदा होते हैं, जन्म से ही लेकर पैदा होते हैं। इसलिए आप देखो जन्म से ही पाए, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, ठीक है ना, काम, प्रेम, ये सब अपन जन्म से लेके पैदा होते हैं। क्रोध, ये जन्म जाता है, आदि और भी हो सकते हैं। दूसरा है अर्जित प्रेरक, अर्जित जो हम बाहर के वातावरण से प्राप्त करते हैं। अर्जित में कौन कौन से, मतलब हम वातावरण से सीखते हैं, जैसे रुचि आदत, रुचि आदत, जीवन, लक्ष्य, ये सब किसमें आएगा, अर्जित में आएगा। तीसरा है प्राकृतिक प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक जो प्रकृति के द्वारा है, जो प्रेरक व्यक्ति के स्वभाव में ही पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक। जिसमें खेल, आनंद, मनोरंजन, ये सब कुछ आएगा प्राकृतिक, ठीक है। अब कृत्रिम में छोटा कृत्रिम प्रेरक जिसको बनाया जाता है, चाहे वो प्रशंसा के रूप में हो, चाहे दबाव के रूप में हो, जैसे कहते हैं जैसे प्रशंसा, प्रशंसा, पुरस्कार, इनाम, दंड, सहयोग, दंड, सहयोग, ये सब कुछ आएंगे करते हैं प्रेरक में, ठीक है। आज के लिए हम उतना करेंगे, अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। जब तक धन्यवाद। आप नोट्स पर तुम